दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बायो डीकम्पोर घोल निर्माण केंद्र की शुरुआत की गई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आज से दिल्ली सरकार ने बायो डीकम्पोजर घोल की निर्माण केंद्र की शुरुआत की। इस घोल के छिड़काव के बाद पराली जलाने की नहीं होगी जरूरत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ मिलकर दिल्ली सरकार बीते 2 साल से ऐसे बायो डीकम्पोजर पर काम कर रही है जिससे पराली को खाद में तब्दील किया जा सकता है। पिछले साल 300 किसानों ने इस घोल का इस्तेमाल किया। 844 किसान इस बार इस घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार 4200 एकड़ खेत में इस घोल का छिड़काव होगा। सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। सारे राज्य सरकार अपने राज्य के किसानों को मदद करें। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। इसको छिड़कने से 15 से 20 दिन के अंदर वो डंठल गल जाता है और वो एक तरह से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अभी तक हमारे लिए लायबिलिटी होती थी, जब उसको चलाते थे तो उसमें बहुत सारी मिट्टी में जो आक्षेप के कारण है वो भी मर जाए। अब ये घोल डालने से, घोल छिड़कने से जो स्टडी की वेबकॉस ने स्टडी की, केंद्र सरकार की एजेंसी है वेबकॉस, उसने इसकी स्टडी की और उसने पाया कि कार्बन का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट और भी बहुत सारी मिट्टी के अंदर जो गुण है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ये घोल डालने से। तो इस बार, पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको किया डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पता चलता है कि इसका बड़ा फायदा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछली बार हमने केवल इसको नॉन बासमती में ट्राई किया था, इस बार इसको बासमती वाले एरिया में भी ट्राई किया जा रहा है। तो लगभग दिल्ली में जितने भी अब इस फसल से के निकलने के बाद होगा, लगभग सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो अभी तक हम कहते थे कि ये जो पराली है इसका समाधान नहीं है, और जब समाधान के नाम पे बात होती थी तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी बातें करी जाती थी। ये घोल बड़ा सस्ता सा है। घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिल के 1000 रुपये एकड़ से भी कम पड़ता है, उसे भी काफी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है, ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करें, हरियाणा किसान हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों की मदद।